देखो यार, मैं जब फोटोग्राफी करता हूँ तो मेरे सब्जेक्ट के यहाँ पर ना शेडोज आ जाती है। तो मैंने ना कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे सर्च किए थे जो कि अमेजोन वगैरह या फिर ऑनलाइन मैंने सर्च किए, तो ये कुछ प्रोडक्ट आए वहाँ पर जहाँ पर जो मेरे पसंदीदा प्रोडक्ट थे उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। ये देखिए, 3,000 का, 7,000 का। क्या लूट मचा रखी है, इतना महंगा सब कुछ। तो यार, मेरे को वो वाले डिफ्यूज़र जो है अभी लेना ठीक नहीं लगा, क्योंकि 3-4 हज़ार रुपये एक सिर्फ प्लास्टिक के पुर्जे का देना अभी के लिए मेरे सही नहीं रहा। तो मैंने ना एक ऐसा प्रोडक्ट मंगवाया है अमेजोन से, जो कि इसको हम रिफ्लेक्टर बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि आगे की साइड में एक सीड लगाई गई है वाइट कलर की, जो कि ऐसे ऊपर से ऐसे कर्व है, जो कि इस फ्लैश के ऊपर कुछ इस टाइप से लगेगा। तो यहाँ पर जब रोशनी फ्लैश के ऐसे निकलेगी तो ये कर्व जो है इस पर टकराएगी रोशनी और सब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी, तो इससे जो है लाइट को हम बाउंस भी करवा देंगे और सब्जेक्ट के यहाँ की जो है छाया को भी मिटा देंगे। तो बैक साइड में इसके जो है ऐसे सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर लगाया गया है, जो कि बेसिकली बहुत ही कम रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि बाउंस ज़्यादा होगा और रिफ्लेक्ट कम होगा। और इस साइड से जब हम यूज़ करेंगे तो जितना बाउंस होगा फ्लैश, उतनी ही रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो इस वाले प्रोडक्ट को मैं आपको जो है रिव्यू करके दिखाता हूँ, और क्या ये 150 रुपये वाजिब है या नहीं है, क्या ये असलियत में वर्क भी करता है, तो इस वाले वीडियो में देखते हैं। अब देखो यार, मैंने मेरे भाई की यहाँ पर जो सबसे पहले इमेज ली है वो है डायरेक्ट फ्लैश को सब्जेक्ट के ऊपर डाल करके, उसमें जो कोई भी बाउंस बाउंस कुछ भी नहीं करवाया हुआ है, तो वो कुछ ऐसी दिख रही है। उसके बाद जो मैंने सेकंड इमेज ली है वो है इसको ऐसे करके और बाउंस करवा करके, तो जो ऊपर सीलिंग है उनसे मैंने जो बाउंस करवाई है, तो वो वाली इमेज जो है ऐसी आई है। मैंने दोनों ही फोटो को जो है उनकी बेस्ट बेस्ट सेटिंग के ऊपर क्लिक किया है। उसके बाद जो मैंने तीसरी इमेज ली है वो मैंने ली है इस रिफ्लेक्टर के साथ, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। अब ये वाली जो इमेज है, इन तीनों को मैं आपको दिखा देता हूँ। तीनों में जो है मैंने मेरे तरफ से जो बेस्ट सेटिंग होती है वो मैंने उस जगह पर बेस्ट सेटिंग कर दी है मेरे कैमरे में, बट अब आप खुद डिसाइड करो कि भाई कौन सी कैसी लग रही है, क्या वर्थ है इस प्रोडक्ट को लेना या नहीं, तो वो आप डिसाइड करो। मैं सिर्फ आपको जो है ये रिव्यू दे रहा हूँ इस प्रोडक्ट का, कि आपके जो है अगर आप कुछ ले रहे हो, ऐसा प्रोडक्ट मंगा रहे हो, तो इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।